हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा भट्टी है। मैं ज़रई तरक्याती बैंक से जॉब करदा। अज यूनाइटेड पाकिस्तान टीवी दे रेफरेंस नाल हाज़र होए हैं तुहाडे कोल। ते जिहड़ा ये अपना अज तुहानू इंट्रोड्यूस करवावांगे कि मैं अज तो 4 साल पहले अपना कैटल फैटनिंग का आगाज़ किया। इस तरह दोस्तों और यूट्यूब दे रेफरेंस नाल मुख्तलिफ वीडियोज़ तो व्यूज़ लए ते इस काम नू स्टार्ट किया। सब तो पहले मैं क्योंकि जॉबिया ने मैं अपनी लैंड परचेज़ की, फिर उत्ते मैनुफैक्चरिंग की, उस तो बाद इस कैटल फैटनिंग मैं स्टार्ट किया। ठीक है, मैं थोड़ा जहा थानू इन डिटेल इस वजह तो दसना पसंद कराँगा ताकि जेडे आने वाले नए फार्मर ने उन्होंने कोई मुश्किल का सामना ना हो, जिस तरह असं अपने इस प्रोफेसनल लाइफ से मुश्किल फेस किया। रिक्वेस्ट है कि दूसरे दोस्तों की तरह मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल में सबसक्राइब कर लो, बेल आइकॉन के बटन नप के इन जरा अपना एक्टिव कर लो ताकि तुम हर आने वाली वीडियो जी टाइम पर मिलती रहे। सैकेंडली है कि असी यदि एक तो एपीसोड वाइज जरा वीडियो डिलीवर करा ताकि प्रैक्टिकली जरा इन डेप्थ जाके चीज़ों रियलिटी से देख सको। मसलन असी तो डंगर की परचेजिंग, उस तो बाद जरा वो किस तरह के डंगर आए हैं, अगे उन्होंने किस तरह असी चलाना है, अगर उन्होंने कोई खामी है किस तरह दूर करना, ठीक है, उन्होंने डवर्मिंग किस तरह करनी है, उन्होंने जड़े आ अंदरूनी बिरूनी कीड़े जड़े ने उन्होंने किस तरह खत्म करना, डंगर की की कपैसिटी है वो किस तरह चैक करनी है, सारिया चीज़ा तुम दसागे एक एपीसोड। उस तो बाद वंडिया जरा वंडा बनाने का तरीका भी दसागे, मुख्तलिफ अज्जा भी दिखावे, वे ठीक है, और उन्होंने अज्जा के प्रोटीन लैवल दसागे, उन्होंने सर्दी गर्मी कि अज्जा ने यूज़ करना है और उन्होंने की अफादियत मिलेगी वो भी दिखावे, प्लस तुम अपने डंगर की वो जी बढ़ोतरी भी दिखावे। तो फस्ट ऑफ आल जो दो तीन चीज़ा ने जिदे बारे कोई भी नया फार्मर जरा अपना मुश्किल पै जाता है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा हों कि मैं डेयरी की तरफ जाना या कैटल फैटनिंग की तरफ जाना। एक्चुअली मेरे मुताबिक दोनों फील्डा जड़िया बेहतरीन ने, सिर्फ जड़ी चीज़ है ना इंसान की अपनी स्ट्रगल होंगी है जिद इंसान स्ट्रगल करता इनफॉर्मेशन इकट्ठी करता है तो उन्होंने अगे रस्ते आप ही मिल जाते हैं। मैं पहले 2 साल कैटल फैटनिंग का आगाज़ किया और आम फार्मर की तरह मैं भी मंडिया चु अपना जानवर परचेज किए मुख्तलिफ व्यापारियों के या दोस्तों के रेफरेंसिस नाल, बहुत सारिया मुश्किल भी आई। जानवर की परचेजिंग जी सब तो व्डा इशू है नए फार्मर के लिए, जिहड़ा फार्मर परचेजिंग नहीं जानता मंडियां दे जो जाता है बहुत सारे व्यापारी वो बहुत सारे नवे नवे किस्म के धोखे करते हैं। ठीक है, पर हल मैं सब तो पहले जरा कट्टियां तो आगाज़ किया अपना मंडी के अंदरों कट्टे ले, मैं क्योंकि रा 100% से मैंने कोई इन्ना अंदाजा नहीं है, व्यापारियों ने जिस तरह का जो सलूक किया उन्होंने मैं अगे लैके रनअप करना शुरू कर दिता। जिहड़े डॉक्टर्स ने वैटनरी डॉक्टर ने विजिट किए उन्होंने अपनी अपनी कंपनियां दे वंडे इंट्रोड्यूस करवाए, कभी मैं ICI का वंडा यूज़ किया, कभी किसी कंपनी का कभी किसी कंपनी का, लेकिन मैं खातर खा उन्होंने तो कोई मुफाद जड़ा है ना हासिल नहीं हुआ। एक्चुअली जड़ा कंपनीज अपना वंडा तैयार कर दिया ने वो एक स्टैंडर्ड और आइडियल जानवर दी जड़ा है ना प्रोडक्शन लिए तुहानू इंट्रोड्यूस करवांदियां ने। हुण जड़ा आइडियल जानवर है वह हुंदा है जड़ा आइडियल जानवर ने बच्चे ने अपनी माँ का 2-2.5 महीने मुसलसल प्रॉपर तरीके दुध पीता होए, उसका बोन स्ट्रक्चर और मीट रेशो जी पूरी 100% कंप्लीट होए, दैन तुम अगर कंपनीज का वंडा इस्तेमाल करते जे ना तो फिर वो जड़े ने कंपनीज के रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो रिजल्ट हासिल होंगे ने। लेकिन नए फार्मर क्योंकि मंडिया चु परचेज करते हैं उन्होंने आइडियल कंडीशन के जानवर उतों नहीं मिलते, मंडी दे विच जानवर आके लोग सेल करते हैं जिहड़ा किसी ना किसी बीमारी का शिकार हुंदा है या किसी ना किसी गजाइयत की कमी का शिकार हुंदा है। ठीक है, और जो तुसी आके उन्हें 90 डेज लई या 100 डेज लई या 3 महीने लई तुसी उन्हें जो अपने फार्म ते लिया के प्रिपेयर करते जे ना उस बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। पहला मसला यह हुंदा है क्योंकि हले वो जानवर छोटे अपनी बोन स्ट्रक्चर डिवेलप कर रहे होंगे ने, जिनी गज़ा तुसी उन्होंने देंदे जे वह अपने बोन स्ट्रक्चर की जड़ी है ना डिवेलपमेंट से मीट दी और अपनी अंदर दी प्रोटीन नू पूरा करने लिए बेस कर देंगे। वैसे भी कोई भी वंडा जड़ा है ना वो आफ्टर 18 डेज़
वो जिसम का हिस्सा बनता है जो ओजरी के अंदर जायम्स होंगे ने उन्हों 18 दिन तो बाद अंदर वो बैक्टीरिया पैदा होंगे ने जोड़े उस खुराक जिसम का जूस बनाते हैं। ठीक है, बरहाल है बड़ी डिटेल से गल है सारी, तो मुख्तलिफ वैटनरीज तुहानू इहदे बारे गाइड करते रहते हैं। मैं परसनल एक्सपीरियंस तुहानू इह दसना चाह रहा कि मेरे नज़दीक सब तो बेहतरीन चीज़ है अगर तुसी मंडियां चे जांदे जे, ते मैं परसनली जड़ा है ना डॉक्यूमेंटेशन जड़ियाँ आइडियलिज्म दे बारे चे गल्लां करदे ने मैं उस तो थोड़ा हट के तुहानू व्यूज़ दिना अपने प्रैक्टिकली। वो है कि अगर तुसी मंडियां चे जानवर लैके आंदे जे पहले कम अज़ कम एक महीना उन्हूं जड़ा है ना तुसी रखो, उन्हूं सादे चारे ते रखो, उहदी डवर्मिंग करो, उन्हों जड़ा है अपना एवरमैक्टम टीका लगाओ जिदे अंदर वो अंदरूनी बिरूनी जड़े ने कीड़े जड़े ने वो खत्म हो, उस बाद तुसी उन्हों किसी ना किसी वंडे दे उत्ते लाओ। और यह बड़ा स्लो प्रोसेस है, उन पहले थोड़ा थोड़ा करके वो ओजरी के अंदर वो बैक्टीरिया पैदा करो जिहड़े उन्हों हजम करन उस वंडे नू। उस तो बाद तुसी अपना वनडे की रेशो वधाओ और दैन यह जिहड़ा 100 times का पीरियड है मेरे ख्याल लई थोड़ा जिहा टिपिकल है, तुसी इहनू अगर इनिशियल स्टेज पर कर रहे तो 4-1 महीने के प्रोसैस से लै जाओ। पहला महीना जिहड़ा है डवर्मिंग इहनां दी अंदर की जिहड़ी कमी पेशी उहनू पूरी करो गज़ाइयत दे नाल, उस तो बाद इहनू तुसी वनडे लैके जाओ ताकि नए फार्मर का लॉस ना हो। ठीक है, उहदे अंदर मैं तुहानू सुजैसट यह करांगा कि बेहतरीन है कि तुसी अपना जिहड़ा ना वंडा खुद तैयार करो। वनडे के बहुत सारे मार्केट से फार्मूले ने इंटरनेट से मिल जाते हैं, वो तुसी वो फार्मूला सिलेक्ट करना है जिहड़ा फार्मूला सब तो पहले नए फार्मर नू इकनोमिकली सस्ता पवे, एक चीज़। दूसरी यह चीज़ है कि वो कोई ऐसे कैमिकल्स या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना की जाए जिदे तुहाडे जानवर नू साइड इफेक्ट हो, या वो चीज़ा इस्तेमाल करन दे नाल तुहाडे जिहड़े जानवर दे प्रोड्यूस हो रहा गोश्त उहदे अंदर इंटरनेशनली म्यार ना रवे। ठीक है, बाज़ वंडियां दे अंदर जिहड़ा कैमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिहड़े तुसी मार्केट चों परचेज करते हैं, यूरिया यूज़ किया जाता है, चूना यूज़ किया जाता है कास्ट नूं रिड्यूस करन दे लई, वो जिहड़ियां चीज़ां कास्ट ते रिड्यूस कर देंदियां लेकिन जानवर नूं इंटरनली कोई ना कोई प्रॉब्लम का शिकार कर देंदियां। ठीक है, जानवर की परचेजिंग बेहतरीन परचेजिंग सब तो पहला यूज़ है। दूसरा यूज़ है तुहाडी खुराक, खुराक दे विच अगर तुसी मुख्तलिफ फार्मूलियां नूं यूज़ करदे जे उहदे विच वो फार्मूले यूज़ करो जिन्हां दे विच देसी चीज़ां पाईआं जाण, मसलन तुसी कोई ना कोई खल यूज़ कर लो। मैं बेहतरीन खल जिहड़ी मशवरा देंगा वह सरों की खल, और वह भी सरों की खल वो जिहड़ी कोहलू तो तुहानू देसी तरीके नाल मिलदी है, क्योंकि कोहलू दी और मशीनी खल दे विच ऑयल दा जिहड़ा फर्क हुंदा है, बरीक खल तुसी लो या उहनू बरीक करवा लो, उस अलावा तुसी उहदे अंदर मेज़ ग्लूटन पाम करनल ऑयल DCP कैल्शियम मिनरल, ठीक है, इस तरह दीआं चीज़ां दे मुख्तलिफ अज़ाए फिर किसे दिन टॉपिक च डिस्कस करांगे कि तुहानू जिहड़ा ना पूरा वनडे दी पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे किन्ने परसेंट उहदी प्रोटीन है, उहदी डाइजेस्टिबिलिटी की है, उहदे विच की चीज़ां पैंदियां ने, किस तरह तुहाडे जानवर नूं लगे और इकनोमिक वंडा होएगा, अच्छा भी और इकनोमिक भी, ना ज़्यादा सस्ता ना ज़्यादा महंगा, ताकि हर फार्मर उन्हें यूज़ करके जानवर की अच्छी प्रोडक्शन लै सके, उहदा जिहड़ा मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होवे। ठीक है, और उन्हें तुसी जिहड़ा है ना मतलब अपने जानवर नूं खवा के तुहानूं उहदे पॉजिटिव रिजल्ट हासिल होण। 2 साल मैं पहले कट्टियां दी फार्मिंग कीती, उस तो बाद अलहमदुलिल्लाह बच्चियां ते गया। ठीक है, बच्चियां तो बाद हुण मैं डेयरी ते आ गए और डेयरी तो अगे मैं नैक्सट गोट फार्मिंग च जा रहा। मैं हाले दरअसल चीज़ां नूं स्टैप बाय स्टैप चेंज इसलिए कर रहा कि मैं इनिशियल स्टेजिस ते आ, लर्निंग स्टेजिस ते आ, मुख्तलिफ चीज़ां नूं सुजैस्ट करके आफ्टर दैट मैं एक रिजल्ट कढ़ांगा कि मेरे फार्म लई कि चीज़ जिहड़ी है बैस्ट है। मैं तो खैर क्योंकि जॉबियां ने तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ना मैं तो यह समझदा कि तुहाडा फार्म इन्ना कपैसिटी का मालिक होवे कि उहदे अंदर तुसी मुख्तलिफ चंक्स पा लो अपना बिजनेस दे, जिहदे विच थोड़ी जिही डेयरी भी होए, गोट फार्मिंग भी होए, तुहाडी कैटल फैटनिंग भी होए। उहदी वजह यह है कि अगर तुहानू एक साइड तो खुदा ना खास्ता थोड़ा जिहा लॉस या क्राइसिस आंदे आ तो दूसरी साइड जिहड़ी है ना तुहाडी उहनू बूस्टअप कर लेगी तो तुहाडा ओवरऑल जिहड़ा बिजनेस सैट रहेगा। तो दूसरा है कि अपना कैटल फैटनिंग के अंदर 3-4 चीज़ा जिहड़ियां मोस्ट इंपोर्टेंट, सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है तुहाडी परचेजिंग, दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है उन्हां दी डिवर्मिंग, डिवर्मिंग तो बाद उन्हां दे जिहड़े कीड़े वगैरह है। अगर हाँ अगर किसी फार्मर नूं अच्छे नतीजे वंडा खवा के नहीं हासिल हो रहे, टाइम ना ज़ाया करना,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੋਬਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੋਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਵਗੈਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਅਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲ ਫੈਟਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਫੈਟਨਿੰਗ ਲਈ ਵੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਸ ਪੋਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਜ਼ ਗਲੂਟਨ ਪਾਮ ਕਰਨਲ ਆਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਟੋਕਸਨ ਮਾਈਂਡਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੂਸਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।